हाय अलंकार, हाँ, आप कौन? मैं कविता। आप कविता हो? हाँ, कविता माथुर। हाँ मैं कविता माथुर। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली इसी रेस्टोरेंट के पीछे मेरा शूट चल रहा था, तो इसीलिए मैंने आपको यहीं बुला लिया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, शूट से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? पर मतलब किसी और चीज़ से प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, छोड़ो। देखो अभी तो ऐसा है नहीं कि हमारी शादी वादी तय हो गई है, तो आपसे यहाँ बात नहीं कर सकते, तो वी कैन टॉक फ्रेंडली, राइट? तो मतलब मैं फ्रेंकली बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखो यार, मुझे ना डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। उनका कलर देख के ना मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। ये शुरू से ही है मुझे। और मैं समझ गया कि तुमने जो अपनी मैट्रिमोनियल साइट पे फोटो अपलोड नहीं करी उसका रीजन अब मुझे क्लियर हो गया। मतलब आप क्या समझ गए? यही कि देखो, जैसे सुंदर लड़कियाँ होती हैं, उन्हें पता है कि वो सुंदर है, तो फोटो अपलोड करने में उन्हें कोई इशू नहीं होता। अब आपको सोसाइटी में इशू होता होगा काले रंग को लेके, और तो दिक्कत होती है। ठीक है, देखो कविता। या कविता। कविता, मुझे लग रहा है हमारा बात बात करने का कोई फायदा है नहीं, तो आई थिंक मैं निकलता हूँ। अलंकार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बात करने का कोई फायदा नहीं है? देखो यार, जैसा मैं दिखता हूँ ना और जैसी आप दिखती हो, उसमें जमीन आसमान का। तुम्हें मैं अपने ना दोस्तों के सामने भी नहीं ले जा सकता, तो अपनी बीवी बनाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा तो फिर एक मिनट। हेलो, सेट रेडी हो गया? ठीक है मैं आती हूँ। क्यों यार, मैं सुबह से गेटअप में रेडी हूँ और अब ठीक है तो फिर मैं गेटअप चेंज कर लूँ। ओके थैंक यू। गेटअप चेंज करके आ रही? मैं 5 मिनट में आऊँ। हाँ अरे नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर रहा मैं। अरे बड़ी अजीब सी दिखती है, इसका काली सी है। हाँ, मैं एक सेकंड रुकना, मैं आपको करता हूँ। क्या हो, पहचान नहीं पा रहे? यार आपकी तो काया पलट हो गई एकदम से। बताया था ना अभी कि शूट चल रहा था, तो मैं उसी के गेटअप में थी, उसी का मेकअप था। अब अच्छी लग रही हूँ मैं आपको? मैं बता नहीं सकता आप कितनी अच्छी लग रही हो। आपने तो मेकअप करके डराई दिया था शुरू में। पर अभी आप वो कह रहे थे ना कि हमारे बात करने से कोई फायदा नहीं है। यार वो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था बस। नहीं, आप कह रहे थे ना वो फ्रेंड्स का रिलेटिव्स और स्टैंडर्ड मैच नहीं होगा। आई एम श्योर आपने वो सारी बातें बड़ी सोच समझ के बोली होंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये सोसाइटी और फ्रेंड्स वाली बात आप पकड़ के बैठे हुए से छोड़ दो। पर अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ तो मैं कभी शादी ना करूँ। ये आप कैसी बात कर रही हैं? क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, आप अचानक से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? अचानक से तुम्हें अब ये अचानक लग रहा है? और इतनी देर से जो तुम बकवास कर रहे हो उसका क्या? एक इंसान को उसकी काबिलियत, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, इससे कोई मतलब नहीं है। सब गया भाड़ में। तुम्हें बस शक्ल पसंद आ जानी चाहिए। शक्ल अच्छी है तो सब सही है, बाकी सब बेकार है ना बेवकूफ। एक इंसान को ना उसकी शक्ल से, उसकी सूरत से जज करना बंद करो।
थोड़ा बाहर जाओ, दुनिया देखो, तो ये दिमाग में भरा कचरा निकल जाए। और हाँ, तुम्हें मैं तुम्हारी इस घटिया सोच की वजह से रिजेक्ट कर रही हूँ। शकल तक तो अभी मैं पहुंची भी नहीं। जाहिल। Judging people on the basis of how they look has to be the worst possible thing we can do. Let's try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.